मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 5 फरवरी 2023, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 9 दिसंबर 1993। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण, कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। 1, स्वयं के महत्व को। 2, समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं, 1 मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया, अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं
अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना? तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा की है। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता।
एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता के शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ सर्व विशेष सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। यह तो जानते हो ना, जैसे समय अति में जा रहा है ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो, कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एकरस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा? नहीं, तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी
कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितने बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो, आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर वन में आना है। माताएं क्या करेंगी? नंबर वन या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर तो नंबर वन बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर वन बनना है। नंबर वन चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर वन डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में नहीं आना है। लेना है तो पूरा लेना है, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें? बेहद है ना, हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है, लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर वन। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे, सभी नंबर वन आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना, दिल है दिला राम की दिल। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिला राम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था। सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है, वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं, यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है? पक्के को पसंद किया जाता है तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, वरदान भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप
भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फिराक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।